हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटास्टिक डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फैनकोड ECS ऑस्ट्रिया T10 की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर ग्रेज क्रिकेट एकेडमी वर्सेस डोनेट्स के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस टूर्नामेंट को हम लोग पूरा कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर KCA यानी कि यहाँ से केरला T20 के वीडियोज़ मिल जाएंगे, साथ ही में हम लोग यहाँ पर शारजा रमजान T20 कवर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ से IPL भी कवर करेंगे। तो ये सारे अच्छे मैच इसके वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो आपको YouTube चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और फाइनल टीम इस मैच की जो भी रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस लिंक वर्क ना करे तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ट्राई करिएगा कि आप लोग लिंक से ही ज्वाइन हो जाए। बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे सीबान क्रिकेट ग्राउंड सीबान ऑस्ट्रिया में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन ठीक ठाक बनते हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर GCA पहले बैटिंग करवाएगी तो हो सकता है यहाँ पर 70-80 रन ही हो पाए, या फिर इससे भी अंदर टीम ऑल आउट हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर पहले बैटिंग DST करवाती है तो DST से आप लोग एक बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। देखो प्लेयर्स तो वहाँ पर उस लेवल के हैं DST के पास, कि अगर वो 2-3 प्लेयर है जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा, वो अगर खेल लेते तो यहाँ पर 170-180 तक भी स्कोर कर सकते हैं, और इन्होंने किया हुआ भी है। तो उस लेवल का प्लेयर अगर DST पहले बैटिंग करवाएगी तो एक बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से पहले बैटिंग अगर GCA ने करवाई तो रन ठीक ठाक बनेंगे। सबसे पहले ऐसे बात करते हैं टीम GCA की, जो कि 3 मैच खेली है, 2 मैच जीती और 1 मैच हारी है। ओपनिंग में शहजाद अफजल और यहाँ पर शौकत दुरानी दोनों ने ओपनिंग करवाया। शहजाद अफजल की बात करूँ तो अभी तक 3 मैच के अंदर इन्होंने ओपनिंग भी करवाई है और साथ में 2 ओवर्स की गेंदबाजी भी करवाई है। बैटिंग से कुछ खास नहीं किया, हालांकि पिछली 2 मैच के अंदर इन्होंने अंडे भी दिए, पहली मैच के अंदर 9 रन किए थे, बाकी 3 मैच के अंदर 1-1 विकेट जरूर निकाल रहे और 2-2 ओवर्स पूरी करवा रहे, तो इंपॉर्टेंस रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। शौकत दुरानी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, देखो इस टीम की बात करते हैं, इस टीम से सबसे बेहतर पिक अगर कोई है तो वो ऐसे शौकत दुरानी, जिनको आप लोग एज अ प्लेयर तो लेके जा सकते हो लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अच्छी चॉइस है, लेके जाना है। इनके लिए ऐसे भरत गौड़ा और 3 मैच के अंदर ऐसे 20+ का स्कोर किया है। ओवरऑल 10 मैच के अंदर करीबन 34 की वजह से 199 रन है, 5 विकेट है, 16 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए। टीम के कप्तान है और हम लोग डेफिनेटली इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक रिस्क आप लोग यहाँ से अबेदुल्ला कोटवाल के ऊपर ले सकते हैं, परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं है लेकिन बैटिंग से यहाँ से 4th-5th नंबर पर आ जाता है बैटिंग के लिए, और साथ में यहाँ पर 1-2 ओवर्स की गेंदबाजी करवा लेता है। राइट आर्म फास्ट गेंदबाजी यहाँ पर 9वीं-10वीं ओवर्स के लिए भी कभी कभी आ जाता है, तो इनको डिफरेंशियल में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। योगेश बेलागे 21 और 19 जैसे स्कोर किए, ओवरऑल अगर कोई चॉइस ना मिले तो इस प्लेयर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल 8 मैच के अंदर करीबन 22 की वजह से 90 रन है, तो ठीक ठाक यहाँ पर स्कोर करता हुआ आपको दिखेगा। हमीदी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, जिनकी अभी तक बैटिंग आई नहीं है, तो इनके बारे में अभी इनको लेके जाना काफ़ी रिस्की रहेगा। बाकी अब्दुल जब्बर खेल आपके लिए एक अच्छी पिक है, पिछली 2 मैच के अंदर विकेट्स निकाल रहे हैं, पहली मैच के अंदर विकेट लेस रहे थे। ओवरऑल यहाँ पर राइट हैंड बैटिंग के साथ साथ ऐसे राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाज है और 2-2 ओवर्स की गेंदबाजी हर एक मैच के अंदर करवाएगा, तो एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जब्बर खेल। और बाकी रोहित हमीदी, तो इनको भी लेके जाने का लगभग कोई मतलब बनता नहीं, क्योंकि इनको परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिलता है। राइट हैंड बैटिंग के साथ साथ ये भी ऐसे राइट आर्म मीडियम पास गेंदबाज है। हमीद शफी वेरी इंपॉर्टेंट पिक, 47 रन के साथ 2 विकेट पहली मैच के अंदर, दूसरी मैच के अंदर 12 रन के साथ 2 विकेट, लास्ट मैच के अंदर विकेट लेस रहे, लेकिन इनका क्या है ना, ओवर सिर्फ 1-1 ही करवाते हैं। देखो बहुत सारी पब्लिक और लेके भी आएंगे, स्मॉल लीग के लिए सेफ है, अगर आप अगर ड्रॉप करना चाहते हैं तो एक रिस्क रहेगा, तो अगर रिस्क लेना चाहते हो तभी ड्रॉप करिएगा, बाकी प्लेयर को लेके जाएगा। भार्गव पंड्या ने 2nd-last मैच के अंदर 2 विकेट निकाली थी, इसके बाद इनको विकेट नहीं मिली, इसके पहले इनको विकेट नहीं मिली, बाकी ओवर्स 1-2 करवा रहे पूरी, ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। और देखो इस प्लेयर को सब लेके आएंगे, इस प्लेयर को शायद ही कोई लेके आएगा, तो आप अगर कुछ हटके करना चाहो ग्रैंड लीग वगैरह में तो शफी की जगह पर भार्गव पंड्या को ले सकते हो। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आपको वहाँ पर आसानी रहेगी चेंजेस वगैरह करने की, तो जल्दी से जाके आपको सिर्फ इतना ही करना है। बाकी हम लोग बात करें हम लोग ऐसे टीम DST की, जो कि 5 मैच खेली है और 5ों ही मैच जीती है। ओपनिंग में कौन है, तो इकबाल हुसैन और सबाउन DVG।
मतलब यहाँ पर इकबाल हुसैन की बात करते हैं तो 21 33 के साथ एक विकेट, 21 और 22 रन, तो कंसिस्टेंट प्लेयर है, वेरी इंपॉर्टेंट पिक, डेफिनेटली लेके जाना है। विकेट कीपिंग सेक्शन से देखिएगा, आपको इनको लेके जाना है। सबाउन डवीची, इनका ना नाम मैंने सुना था अभी रिसेंटली 2022 में सबसे ज़्यादा रन में इंटरनेशनल रन के अंदर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन प्लेयरों के साथ इनका नाम था सबाउन डवीची। काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, काफ़ी अच्छा मारता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। देखो ये ना ज़्यादातर बैटिंग से नीचे आते हैं अभी, क्योंकि इनको ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन ये उस लेवल का प्लेयर है जो कि यहाँ पर कभी भी T10 के अंदर सेंचुरी तक जड़ सकता है, और इन्होंने एक नहीं कई बार सेंचुरी लगाई हुई है। 56 मैच के अंदर ऐसे 1300 से ज़्यादा रन है, करीबन 28 की एवरेज है, 42 विकेट है। ओवर्स रेगुलर नहीं करवा रहे, मैंने आपको बताया ना जैसे इनको रेगुलर ओवर्स वगैरह करवाने की ज़रूरत रहती नहीं है, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन है, तो इसके लिए वो ज़्यादा परफॉर्मेंस करते नहीं है। ओपनिंग में भी ये लास्ट मैच के अंदर ही आए, बाकी इसके पहले काफ़ी नीचे खेलते थे। इवन ये जो 24 रन तो उन्होंने किए थे ना, वो 8वें नंबर पर बैटिंग करते हुए किए थे, तो वही कुछ है, बैटिंग ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है ऐसे सबाउन डवीची का, फिर भी एज अ प्लेयर तो हमें लेके जाना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग रिस्क ही ले सकते हैं यहाँ पर, वो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। रजमल सिगीवाल जो कि इस टीम के कप्तान हैं, और परफॉर्मेंस की बात करते हैं ऐसे 71 पहली मैच के अंदर और लास्ट मैच के अंदर ऐसे 57 किए थे, और कंसिस्टेंट बंदा है, हर एक मैच के अंदर आपको थोड़े बहुत रन करेगा करता हुआ नजर आएगा। 74 मैच के अंदर करीबन 25 के एवरेज से 1500 से ज़्यादा रन है, 17 विकेट है, वह ज़्यादातर करवाते नहीं है, लेकिन बैटिंग से तगड़ा परफॉर्मेंस रेगुलर देंगे, इंपॉर्टेंस रहने वाले, लेके जाना है। इनके अलावा ऐसे अमन अहमद जाई 54 मैच के साथ एक विकेट, फिर ऐसे 21 रन के साथ 2 विकेट, ये भी कंसिस्टेंट से ओवर्स नहीं करवा रहे, बाकी बैटिंग से जब भी मौका मिलता है तब अच्छे स्कोर जरूर करते हैं, लेके जा सकते हैं ऐसे, इनको लेके जा सकते हैं। इनके लिए ऐसे नूर अहमद जाई वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ओवर्स वगैरह कंटिन्यू करवा रहे हैं, विकेट्स पिछले दोनों मैच के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन सेकंड लास्ट मैच के अंदर 40 रन की पारी जरूर खेली थी। बैटिंग से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है मुझे नूर अहमद जाई से, क्योंकि अगर ये नीचे खेलेंगे तो फिर इनकी बैटिंग नहीं आएगी, क्योंकि इनका टॉप ऑर्डर मजबूत है। मोहिबुल्ला सेनवारी रिस्की रहेंगे, ग्रैंड लीग में ट्राई करोगे। बाकी कदर गुल उत्मन जई ने लास्ट मैच के अंदर 25 किए, इसके पहले एक बार 51 किए थे, तो इन सारे प्लेयर्स का क्या है ना कि बैटिंग से मौका मिलना चाहिए। प्लेयर्स सारे अच्छे हैं यहाँ पर, अमन अहमद जई हो गए, नूर अहमद जई हो गए, कदर जई, उत्मन जई, तो इसमें से कौन ऊपर आता है वो कहना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इसके लिए ऑफिशियल जो भी बैटिंग ऑर्डर रहेगा ना, वो टेलीग्राम में आपको लाइनअप के बाद दिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लाइनअप के बाद आती है, तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। बाकी जो लोग टॉप में रहेंगे, जो प्लेयर यहाँ से टॉप में रहेंगे, हम लोग इनको इनके साथ कंटिन्यू करेंगे। इशाक शफी एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, डेफिनेटली लेके जाना है। विकेट टेकर गेंदबाज है उस्मान खान, पिछले दोनों मैच के अंदर विकेट्स निकल रहे हैं, तो इनको भी लेके जाएंगे। इनके अलावा ऐसे इतबीर शायद दीदार भी, इस प्लेयर को बिल्कुल मिस मत करना, ये विकेट टेकर गेंदबाज है, 51 मैच के अंदर 50 विकेट है, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, ये शुरुआत में भी आएगा और देत में भी आएगा, डेफिनेटली लेके जाना है। और साहिल जदरान अगर कोई चॉइस है मिले तो ट्राई कर सकते हो, हालांकि ये भी पिछली तीनों मैच के अंदर कंसिस्टेंट है, तो भरोसा करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी बेंच से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में मिलेंगे, तो जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी दे सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर आई हुसैन बेस्ट पिक है, इनके अलावा ऐसे कुतुबुन जई उत्मन जई को, यहाँ से क्या बोलते हैं, कदर जान उत्मन जई को आप लोग चाहो तो ट्राई कर सकते हो, हालांकि इनकी बैटिंग आएगी या नहीं आएगी एक क्वेश्चन मार्क है, तो इसके लिए रिस्की रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर ए अहमद जई है, आर सिगीवाल है, इनके अलावा ऐसे एस दुरानी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर एस डवीची है, नूर अहमद जई है और भरत गौड़ा हमारी टीम के अंदर रहने वाले हैं। बाकी आप लोग ए जबर खेल हैं, यहाँ से कौन नाम है, अब्दुल जबर खेल को डिफरेंस वेलो में ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर आई दीदार है, यहाँ से उस्मान खान है, इनके अलावा ऐसे साहिल जदरान और इशाक शफी हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी यहाँ पर कोटवाल वगैरह थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, यहाँ पर एच सफी को चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, किन की जगह पर करोगे यहाँ पर, तो इनको आप लोग ना यहाँ से उस्मान खान है या फिर एस जदरान है, किसी एक प्लेयर को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी हमने यहाँ पर DST के 9 प्लेयर्स ले लिए, तो यहाँ से किसी एक प्लेयर को ड्रॉप करके आप लोग उनको ले सकते हैं। किनको ले सकते हैं यहाँ पर, एच सफी को ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हम लोग यहाँ से लाइनअप के बाद ही मेंशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए टीम की बात करते हैं। डवीची कैप्टन है, दुरानी वाइस कैप्टन है, दुरानी सेफ कैप्टन वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है, 51% लोगों का कप्तान है यहाँ पर, तो आप लोग सेफ जा रहे हो तो इनके कप्तान करके जाना।
और बाकी आप लोग ऐसे सफ़ी को ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए, दीदार को ट्राई कर सकते हैं, सिगीवाल को ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम कुछ इस तरह से रहेगी, इसमें कुछ बदलाव वगैरह देखने को मिल सकते हैं। फाइनल टीम जो भी रहेगी वो टेलीग्राम में मिलेगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।